सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 14 अनारिकाया जिज्ञासा का अभ्यास करवा रही हूँ। इसका अनुवाद मैं पहले एक करवा चुकी हूँ आपको। सभी बच्चे अभ्यास को ध्यान से समझना। तो प्रश्न देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत। यहाँ पर बच्चों आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर आपको बताने हैं। पहला प्रश्न है, कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते। कस्याः, किसकी महती, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। जिज्ञासा, जिज्ञासा होती है जानने की इच्छा। वर्तते मतलब है या रहती है। कौन है जिसकी बहुत ज़्यादा कुछ भी चीज़ जानने की इच्छा रहती है? तो उत्तर आएगा आपका अनारिकायाः। जो अनारिका लड़की है जिसका पाठ में जिक्र आया है, वो उसकी महती जिज्ञासा वर्तते, बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा रहती है, वो बहुत ही जिज्ञासु है। तो अगला प्रश्न देखो, मंत्री किमर्थम आगच्छति। मंत्री किमर्थम मतलब किस लिए, आगच्छति मतलब आता है। उत्तर देखिए, मंत्री से तो उद्घाटनार्थम आगच्छति। जो मंत्री जी हैं वो किस लिए आए हैं, सेतो तह पुल के उद्घाटन, ठीक है, के लिए आगच्छति मतलब आता है। मंत्री किस लिए आता है, पुल के उद्घाटन के लिए आता है। अगला प्रश्न है, सेतो निर्माणम के अकुर्वन। सेतु पुल, निर्माणम मतलब निर्माण, के अकुर्वन पुल का निर्माण किसने किया। सेतो निर्माणम कर्म करहा अकुर्वन, तो के की जगह क्या लिख देंगे बच्चों हम, कर्म करहा मतलब कर्मचारी। पुल का निर्माण किसने किया, पुल का निर्माण कर्मचारियों ने किया। अगला प्रश्न है, सेतो निर्माणाय, पुल के निर्माण के लिए, निर्माणाय का मतलब निर्माण के लिए या बनाने के लिए, पुल को बनाने के लिए कर्म करहा, कर्म करा मतलब कर्मचारी, प्रस्त्राणी मतलब पत्थर कुतः आनयन्ति लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कुतः का मतलब कहाँ से, पुल के बनाने के लिए कर्मचारी पत्थर कहाँ से आनयन्ति मतलब लाते हैं। तो उत्तर देखो बच्चों, सेतो निर्माणाय, पुल के निर्माण के लिए कर्म करहा मतलब कर्मचारी, प्रस्त्राणी मतलब पत्थर, पर्वतेभ्य पर्वतों से आनयन्ति लाते हैं। पुल के निर्माण के लिए कर्मचारी पत्थर पर्वतों से आनयन्ति मतलब लाते हैं। अगला प्रश्न देखो, के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। के का मतलब कौन, सर्वकाराय का मतलब सरकार को, धनम मतलब धन, प्रयच्छन्ति मतलब देते हैं, कौन सरकार को धन देते हैं। उत्तर क्या बनेगा, के की जगह आपका उत्तर आएगा बच्चों प्रजा। जो प्रजा होती है, जनता होती है, वो सर्वकाराय मतलब सरकार को धनम प्रयच्छन्ति, धन देती है। सरकार को धन कौन देती है, जनता देती है, प्रजा देती है। कैसे देती है, टैक्स के रूप में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया है बच्चों, ठीक है। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न निर्माणम कुरु, प्रश्न निर्माण करो। इस वाले प्रश्न में आपको प्रश्न दिए गए थे बच्चों, आपको उत्तर बनाने थे या उत्तर लिखने थे। यहाँ पर उल्टा है, विपरीत है, पहले उत्तर दिया गया है, उसका प्रश्न बनाना है, ठीक है बच्चों। तो पहला उत्तर है आपका, अनारिकाया प्रश्नई सर्वेशाम बुद्धि चक्रवत भ्रमति। अर्थ समझो इसका, अनारिकाया, अनारिका के प्रश्नई मतलब प्रश्नों से सर्वेशाम सभी की बुद्धि चक्रवत मतलब पहिए के समान, पहिए की तरह भ्रमति मतलब घूमती है। अर्थ समझ आया बच्चों, अनारिका के प्रश्नों से सभी की बुद्धि पहिए के समान घूम जाती है। इसमें अंडरलाइन कौन सा शब्द है आपका, किसके नीचे रेखा लगी है, अनारिकाया। तो बच्चों आपको ऐसा प्रश्न बनाना है
जिसका उत्तर निकलेगा अनारिकायः। ठीक है, तो इसमें अनारिका की जगह आपको कस्याः, क्या वर्ड लिखना है बच्चों, क्या शब्द लिखना है, कस्याः, किसके, कस्याः का मतलब किसके प्रश्नों से। आगे पूरा का पूरा आपको वैसा का वैसा लिखना है, सिर्फ अनारिका को हटाकर कस्या लगाना है। ठीक है, कस्याः प्रश्नैः, किसके प्रश्नों से, सर्वेषां बुद्धि, सभी की बुद्धि चक्रवत भ्रमती, पहिए के समान घूम जाती है। तो आपका उत्तर निकल के आएगा फिर अनारिकायः, अनारिका के। और जब ये आप प्रश्न बना दोगे तो लास्ट में बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है। अगला है, मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम आगच्छति, मंत्री पुल के उद्घाटन के लिए आता है। और जब रेखा किसके नीचे लगी, उद्घाटनार्थम, तो आपको प्रश्न कैसा बनाना है जिसका उत्तर निकलेगा उद्घाटनार्थम। तो उद्घाटन को हटा देना है और उसकी जगह बच्चों लगेगा किमर्थम। किमर्थम का मतलब किस लिए, किमर्थम का क्या मतलब है, किस लिए। मंत्री से तो किमर्थम आगच्छति, मंत्री से पुल के किस काम के लिए आता है या किस लिए आता है, तो उद्घाटन के लिए आता है। तो फिर लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अगला है, कर्मकरः सेतोः निर्माणं कुर्वन्ति, कर्मकरः कर्मचारी पुल का, सेतोः का मतलब पुल का निर्माण करते हैं या कर्मचारी पुल बनाते हैं। अब यहाँ पर कर्मकरः हटाना है बच्चों आपको, और इसकी जगह लिखना है के का मतलब कौन। सेतोः निर्माणं कुर्वन्ति, पुल का निर्माण कौन करते हैं, तो उत्तर निकल के आएगा फिर कर्मकरः, कर्मचारी। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है। अगला प्रश्न है, पर्वतेभ्यः प्रस्त्राणि आनीय सेतोः निर्माणं भवति, पर्वतेभ्यः मतलब पर्वतों से पत्थर, प्रस्त्राणि मतलब बच्चों पत्थर, आनीय लाकर पुल का निर्माण होता है। पर्वतों से पत्थर लाकर पुल का निर्माण होता है, तो यहाँ पर्वतेभ्यः को हटाकर कुतः, कुतः का मतलब कहाँ से, कुतः का क्या मतलब बच्चों, कहाँ से। फिर आगे पूरी लाइन ऐसे कि ऐसे लिखनी है आपको, प्रस्त्राणि आनीय सेतोः निर्माणं भवति, कहाँ से पत्थर लाकर पुल का निर्माण होता है। फिर उत्तर क्या निकलेगा, पर्वतेभ्यः, पर्वतों से। और यहाँ पर फिर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है। और आखिरी देखिए, जनः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थं धनं ददति, लोग, जनः का मतलब जनता, लोग, सर्वकाराय मतलब सरकार के लिए, देश के विकासार्थं, सॉरी सरकार को देश के विकास के लिए धन देती है। जनता सरकार को देश के विकास के लिए धनम ददति, धन देती है। तो यहाँ लाइन किसके नीचे, सरकार है मतलब सरकार को, तो इसकी जगह बच्चों आपका जाएगा वर्ड कस्मै। ठीक है, जब हम कोई चीज़ किसी को देते हैं तो उसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर कस्मै शब्द का प्रयोग हुआ है, किस लिए। ठीक है, तो लोग किस लिए, किसको देश के विकास के लिए धन देते हैं, तो उत्तर निकल के आएगा आपका सर्वकाराय, सरकार को। तो इस तरह से बच्चों ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया है, प्रश्न निर्माण। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगी। थैंक यू।